हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 10 इडियम फ्रेजेस ऑफ बी अल्फ़ाबेट। जी हाँ, आज हम समझेंगे वह इडियम फ्रेजेस जो बी अल्फ़ाबेट से चालू होते हैं। और अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तभी मेरे को पता चलता है कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले है बैक टू स्क्वायर वन। अब इस इडियम का मीनिंग है टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। अब जैसे कोई आपका ये चौकोर रास्ता है, अब यहाँ से आपने शुरुआत की, यहाँ से फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर आप वहीं पहुँच गए, तो इसको कहेंगे बैक टू स्क्वायर वन। मतलब आपने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर अंत हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई पिक्ड अप ऑल द लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम माई लॉन येस्टरडे, बट देयर वॉज अ स्टॉर्म लास्ट नाइट एंड नाउ आई एम बैक टू स्क्वायर वन। मतलब क्या है, एक आदमी ने एक गार्डन से सारी लीव्स और ब्रांचेस डस्टबिन में डाली, पर रात को क्या हुआ कि तूफान आया, वह सारी ब्रांचेस उसकी फैल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ से उसने शुरुआत की थी फिर वापस से शुरुआत आज वहीं से करनी पड़ेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट इडियम को। अब नेक्स्ट इडियम है बैक ऑन वंस फीट। मतलब इसका क्या है, टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर सिकनेस। मतलब एक व्यक्ति सपोज बहुत दिनों तक बीमार था और बेड रिडन था, अब वह अपने पैरों पे चल ले रहा है, तो उसको कहेंगे ही इज हेल्दी अगेन आफ्टर सिकनेस। और इसका एग्जाम्पल होगा आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर 2 वीक्स वाइल आई हैड द फ्लू, बट नाउ आई एम बैक ऑन माई फीट। मतलब क्या है, 2 हफ्तों तक मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को फ्लू था, बट नाउ आई एम बैक ऑन माई फीट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट इडियम को। इसमें नेक्स्ट इडियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और ये है बाय हुक और बाय क्रूक। मतलब क्या है इसका, एट एनी कॉस्ट बाय फेयर और अनफेयर मीन्स। मतलब क्या है, कोई भी काम आप किसी भी शर्त पे, अब इसमें हिंदी में कहते हैं साम दाम दंड भेद, मतलब काम हो आपका किसी भी कीमत पे हो जाए, बाय फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स। और इसका एग्जाम्पल होगा आई डिसाइडेड दैट आई वॉज गोइंग टू गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रूक। मतलब क्या है, मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब जो है किसी भी हालत में एक्वायर करके रहूँगा या फिर लेके रहूँगा। अब इसमें फोर्थ है ब्लो वंस ट्रम्पेट। इसका मीनिंग है सेल्फ प्रेज। अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा भोपू बजा रहा है, अब उस भोपू से क्या होगा, किसी और की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो सेम इसी इडियम का मीनिंग है कि आप अपनी ही तारीफ करते रहते हैं हमेशा। इसका एग्जाम्पल होगा एनी वन विल टेल यू शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट वी हैव गॉट ऑल्दो शी हैड नेवर ब्लोन हर ओन ट्रम्पेट। मतलब क्या है, उसने कभी अपनी तारीफ नहीं की चाहे वो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हो। अब इसमें फिफ्थ है बीट द एयर। इसका मीनिंग है टू डू यूजलेस एफर्ट्स। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज एयर है, एयर में आप कितने भी घूंसे मार लीजिए, कितने भी पंचेस मार लीजिए, कितनी भी लात मार लीजिए, हवा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही है, वो एक यूजलेस एफर्ट्स हैं। तो इसको अगली बार से कोई आपसे कहे ही इज बीटिंग द एयर, तो समझिएगा टू डू यूजलेस एफर्ट्स। अब नेक्स्ट है इसमें बेड ऑफ थॉर्न्स। मीनिंग क्या है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। अगर आप नॉर्मल बेड पे भी सोएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी अगर उसका गद्दा ना अच्छा हो, और अगर उसी में कांटे लगा दिए जाएं तब तो बहुत डिफिकल्टी होगी। सेम है इसी इडियम का मीनिंग जो कि है फुल ऑफ डिफिकल्टीज। और एग्जाम्पल होगा, अब इसका एग्जाम्पल होगा लाइफ ऑफ एन इल पर्सन ऑलवेज रिमेन्स अ बेड ऑफ थर्न्स। मतलब फुल ऑफ डिफिकल्टीज, एक बीमार व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज से भरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं नेक्स्ट इडियम को, जो है बीट अबाउट द बुश। इसकी मीनिंग होगी टू डिस्कस अ टॉपिक विदाउट बींग स्पेसिफिक अबाउट एनीथिंग। मतलब बीट अबाउट द बुश मतलब कि ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना जिसका कोई रेलेवेंस ना हो। अब इसका एग्जाम्पल होगा डोंट बीट अराउंड द बुश जस्ट टेल मी वेयर माई ब्रदर इज़। मतलब क्या है, आप इधर उधर से मेरे को बातें ना बताओ, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करो और बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। अब इसमें नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। मतलब मीनिंग क्या हुआ, विद ऑल वंस बिलोंगिंग। मतलब क्या है, अपने सारे सामान के साथ। अब इसका एग्जाम्पल होगा टायर्ड ऑफ देयर टैंट्रम्स द लैंड लेडी आस्क्ड हर टेनेंट टू वैकेट द हाउस विद बैग एंड बैगेज। मतलब क्या है, लैंड लेडी ने अपने टेनेंट को कहा कि मेरा घर विद योर बैग एंड बैगेज, मतलब हर चीज़ के साथ खाली कर दो। अब इसमें नाइन्थ है ब्लू आइड बॉय। मीनिंग क्या है, अ मैन हु इज़ लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय समबडी इन अथॉरिटी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी अथॉरिटी वाले पसंद करते हैं उसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय। अब इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ब्रेड एंड बटर। मीनिंग क्या है, समवंस लाइवलीहुड।
इसका एग्जाम्पल होगा टीचिंग क्लासिक म्यूजिक टू यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज हर ब्रेड एंड बटर। मतलब क्या है, वो उससे अपना लाइवलीहुड चलाती है। ब्रेड एंड बटर मतलब क्या हुआ कि समवंस लाइवलीहुड। ऑलराइट गाइज, ये थे आज के 10 इडियम एंड फ्रेजेस, और मैंने ऐसे ही कई वीडियोज़ अपने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर आपको JCA से रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो, आप मेरी वीडियो को देख के समझ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।